हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 3 लैंड फार्म्स एंड लाइफ के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। और ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में द बिग क्वेश्चन से लेट अस एक्सप्लोर के इस क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। अगर आप पार्ट 1 वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 सोशल साइंस से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में चैप्टर के लास्ट में दिए हुए क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स के क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन व्हाट टाइप ऑफ लैंड फार्म इन योर टाउन, विलेज, सिटी लोकेटेड, विच फीचर्स मेंशन इन दिस चैप्टर डू यू सी अराउंड यू। आप जिस टाउन में, विलेज में या सिटी में रहते हैं, वहाँ का लैंड फार्म किस तरह का है? आपने चैप्टर में जो भी फीचर्स पढ़े हैं, उनमें से कौन से फीचर आपको अपने चारों ओर दिखाई देते हैं? आंसर में मैंने सिटी में आगरा लिखा है। आपकी जो भी जगह हो उसका नाम लिखेगा। पहला पॉइंट है, माय सिटी इज़ आगरा विच हैज़ अ लैंड फार्म प्लेन। मेरी सिटी आगरा है और यहाँ का लैंड फार्म प्लेन है। प्लेन की जगह आपकी लैंड फार्म का जो भी टाइप हो उसे लिखेगा, माउंटेन, प्लेन या प्लेटू। सेकेंड है, आगरा इज़ अ सिटी ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आगरा इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट के यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तीसरा पॉइंट है, द सिटी इज़ ऑन द फ्लैट एंड फर्टाइल फूड प्लेन्स ऑफ द यमुना रिवर। चौथा है, द रीजन अराउंड आगरा इज़ मोस्टली अ लेवल प्लेन विथ हिल्स इन द साउथ वेस्ट। आगरा रीजन का ज़्यादातर एरिया प्लेन है और इसके साउथ वेस्ट में हिल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द क्लाइमेट ऑफ आगरा फीचर इज़ सेमी एरिड क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट अर्धशुष्क है, यानी थोड़ा सूखा है। और लास्ट में अगर आप चाहें तो अपने सिटी की जो ख़ास बात है उसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ताजमहल इज़ सिचुएटेड इन आगरा विच इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स। अगर आप किसी टाउन में रहते हैं तो आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, आई एम लिविंग इन अ टाउन वेयर द लैंड फार्म इज़ क्वाइट प्लेन। वी कैन डू एग्रीकल्चर वर्क ऑन दिस लैंड एज द सॉइल इज़ क्वाइट फर्टाइल। ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड ऑन द वेरी लार्ज स्केल, सो वी कैन डू द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। फार्मर्स आर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल एज दे हैव देयर ओन लैंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लेट अस गो बैक टू अवर इनिशियल ट्रिप फ्रॉम छोटा नागपुर टू प्रयागराज एंड अल्मोरा। डिस्क्राइब द 3 लैंड फार्म यू केम अक्रॉस ऑन द वे। चैप्टर में एक ट्रिप के बारे में बताया गया है जो छोटा नागपुर से शुरू होती है, प्रयागराज से होती हुई अल्मोरा पर ख़त्म होती है। यहाँ पर आने वाले 3 लैंड फार्म के बारे में आपको डिस्कस करना है। आंसर इस तरह लिखेंगे, छोटा नागपुर, इसका लैंड फार्म है प्लेटू। द जर्नी स्टार्ट इन द छोटा नागपुर प्लेटू विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एलिवेटेड फ्लैट लैंड विथ सम हिल्स। दिस एरिया इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन्स और एंड इट हैज़ अ मिक्स ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। क्वेश्चन में जिस ट्रिप की बात की गई है वो छोटा नागपुर के पठार से शुरू होती है। ये पठार या प्लेटू फ्लैट लैंड और कुछ हिल्स के द्वारा कैरेक्टराइज किया जा सकता है। यहाँ का एरिया मिनरल से भरा पड़ा है। यहाँ पर कोल्स और आयरन बहुत प्रचुर मात्रा में है। इसमें जंगलों और घास के मैदानों का मिश्रण है। इस ट्रिप में छोटा नागपुर से प्रयागराज में प्रवेश होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे इसका लैंड फार्म प्लेन है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि जब आप छोटा नागपुर से प्रयागराज में प्रवेश करते हैं तो आप गंगा नदी के उपजाऊ मैदानों में प्रवेश करते हैं। यह क्षेत्र समतल और हरा भरा है जो घूमने फिरने के लिए और खेती करने के लिए आदर्श है। इस लैंड को गंगा यमुना नदी के द्वारा अच्छी तरह से सींचा जाता है जो इस एरिया को मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरिया बनाता है। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, प्रयागराज लैंड फार्म प्लेन्स मूविंग फ्रॉम छोटा नागपुर टू प्रयागराज वी एंटर द फर्टाइल प्लेन ऑफ द गंगा रिवर। दिस रीजन इज़ फ्लैट एंड लश, आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। द लैंड इज़ वेल वाटर्ड बाय द गंगा एंड यमुना रिवर, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरियाज। प्रयागराज से ट्रिप अल्मोरा पहुँचती हैं। यहाँ का लैंड टाइप है माउंटेनियस, ये पहाड़ी इलाका है। जब नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो ये पहाड़ी इलाके में बदल जाता है। अल्मोरा कुमायूं रीजन में स्थित है। इसकी विशेषता है खड़ी ढलान, घाटियां और वनों से ढकी हुई पहाड़ियां। इसका एरिया
अपनी खूबसूरती और बायोडाइवर्सिटी के द्वारा पहचाना जाता है। आंसर में आप लिखेंगे अल्मोरा लैंड फॉर्म माउंटेनियस कंटिन्यूइंग नॉर्थ टू अल्मोरा द लैंडस्केप चेंज टू द हिली एंड माउंटेनियस टेरेन ऑफ द हिमालयाज ऑलमोस्ट इज लोकेटेड इन द कुमायू रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय स्लीप स्लोप वैलीज एंड फॉरेस्ट हिल्स द एरिया इज नोन फॉर द नेचुरल ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी। तीसरा क्वेश्चन है लिस्ट अ फ्यू फेमस पिलग्रिम्स स्पॉट इन इंडिया अलॉन्ग विद द लैंडफॉर्म्स इन विच दे आर फाउंड। इस क्वेश्चन में आपको भारत के कुछ तीर्थ स्थलों के बारे में बताना है और ये भी बताना है कि इसका लैंडफॉर्म कैसा है। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे द फॉलोइंग आर द फेमस पिलग्रिम्स स्पॉट इन इंडिया अलॉन्ग विद द लैंडफॉर्म। पहला आप वाराणसी लिख सकते हैं, ये काशी में है, इसका लैंडफॉर्म है प्लेन। ये इंडिया के नॉर्थ साइड में स्थित मैदानी इलाके में स्थित है और गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये हिंदू धर्म के सबसे पुराने और पवित्र स्थलों में से एक है। वाराणसी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया वाराणसी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड होलीएस्ट सिटीज इन हिंदुस्तान। दूसरा तीर्थ स्थल आप केदारनाथ लिख सकते हैं, इसका लैंडफॉर्म है माउंटेन। ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है और ये चार धाम के तीर्थ स्थलों में से प्रमुख है, अर्थात ये भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ लैंडफॉर्म माउंटेन लोकेटेड इन द गढ़वाल हिमालय इन उत्तराखंड। केदारनाथ इज वन ऑफ द चार धाम पिलग्रिम्स साइट्स एंड इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। अगला तीर्थ स्थल आप लिख सकते हैं गोल्डन टेम्पल हरमिंदर सिंह, इसका लैंडफॉर्म है प्लेन। ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है और एक पवित्र गुरुद्वारा है और सिखों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थल है। यहाँ पर आप लिखेंगे गोल्डन टेम्पल लैंडफॉर्म प्लेन सिचुएटेड इन अमृतसर इन द पंजाब प्लेन्स द गोल्डन टेम्पल इज द होलीएस्ट गुरुद्वारा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम साइट ऑफ सिखिज्म। इसके अतिरिक्त आप अमरनाथ केव पुरी तिरुपति वैष्णो देवी ऋषिकेश और हरिद्वार के बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर स्टेट में द ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है द हिमालयाज आर यंग माउंटेन्स विथ राउंडेड टॉप्स। हिमालय माउंटेन ना तो राउंडेड है और ना ही पुराना है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड है प्लेटू यूजुअली राइज शार्पली एट लीस्ट वन ऑफ साइड, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है माउंटेन्स एंड हिल्स बिलोंग्स टू द सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। माउंटेन्स और हिल्स का लैंडफॉर्म एक ही तरह का होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है माउंटेन्स प्लेटू एंड रिवर इन इंडिया हैव द सेम टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इंडिया के माउंटेन में प्लेटू में या रिवर में एक जैसे पेड़ पौधे और जानवर नहीं होते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी टू द यमुना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सिक्स स्टेटमेंट है डेजर्ट हैव यूनिक फ्लोरा एंड फौना, ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि। नेक्स्ट है मेल्टिंग स्नो फीड्स रिवर, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अगला है सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स डिपॉजिटेड इन द प्लेन्स मेक द लैंड फर्टाइल, रिवर से डिपॉजिट होने वाला सेडिमेंट प्लेन को फर्टाइल बना देता है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। लास्ट ट्रू और फॉल्स है ऑल डेजर्ट आर हॉट, सभी डेजर्ट हॉट होते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इस तरह से द हिमालयस आर यंग माउंटेन विथ राउंड टॉप्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड प्लेटू यूजुअली राइज शार्पली एट लीस्ट ऑन वन साइड, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तीसरा माउंटेन्स एंड हिल्स बिलोंग्स टू द सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट माउंटेन्स प्लेटू एंड रिवर्स इन इंडिया हैव द सेम टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट गंगा इज द ट्रिब्यूटरी टू द यमुना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला डेजर्ट हैव यूनिक फ्लोरा एंड फौना, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट मेल्टिंग स्नो फीड्स रिवर्स, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स डिपॉजिटेड इन द प्लांट्स मेक्स द लैंड फर्टाइल, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और लास्ट स्टेटमेंट ऑल डेजर्ट आर हॉट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सभी डेजर्ट्स हॉट नहीं होते, जैसे इंडिया का लद्दाख कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।